हेलो फ्रेंड्स कैसे हो स्वागत है आप सभी का कोसी टेक्निकल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉली थर्ड सेमेस्टर के मैथ के लेक्चर के बारे में तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपके जो है मैट्रिक्स आपको शुरू करा दी थी पार्ट फर्स्ट डन हो गया था आज जो है पार्ट सेकंड कराएंगे मीन्स आपका जो है पहले मैंने सूत्र और मैट्रिक्स के प्रकार बताए थे परंतु आज जो है हम बताने जा रहे हैं आपको एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको जो है एग्जाम्पल uh, के तौर पे आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूर्ण तरीके से आपको जोड़ना घटाना सिखाएंगे ठीक है ना तो कैसे सिखाएंगे पूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक बनी देंगी वीडियो थोड़ी लंबी होगी परंतु आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे और दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ कि आपने वीडियो जो है आपने खोली है क्लिक की है तो आप जो है बहुत ही नॉलेज लेके जाएंगे ठीक है ना तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है और दोस्तों ब्लॉग का नाम है हमारा करियर जोन वन टू थ्री ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम उस पर भी जाके आप जो है पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब जो है पहला जो है आपका क्वेश्चन आ चुका है तो सबसे पहला जो है ये जो है एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं देना क्योंकि एक जो है कहीं से एक कहीं से है क्योंकि मैं वही कराऊंगा जैसे कि मैं अब बुक में से करा रहा हूँ एच आर लूत्रा की मैं से पढ़ा रहा हूँ कोई जो है किसी में से पढ़ रहा होगा कोई जो है किसी में से पढ़ रहा होगा तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जो से कि सभी छात्र जो है एग्जाम्पल कराऊँगा या फिर आपको एक दो तो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे कि सभी छात्रों के समझ में आ जाए और सभी जो है समझ के अपने अपने बुक में से कर लें जो नहीं आए वो मुझे व्हाट्सअप फोटो खींच के भेज देना मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या ग्रुप से जुड़ जाना ग्रुप में जो है ये फ़ोटो खींच के भेजते रहेंगे जैसे कि सभी छात्रों की जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द पूरी सहायता की जाएगी आपको चैनल पर मैथ के साथ साथ और किसकी क्लास आपको चलवानी है इंजीनियरिंग मेटेरियल मॉस या किसी की भी आप कमेंट करना उसी की जो है क्लास शुरू हो जाएंगी ठीक है ना मैथ के साथ मैथ की चलेगी डेली अच्छा तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आ चुका है कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स ये और बी बराबर ये तब ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान याद कीजिए ये दोस्तों जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप मैं ये कह रहा हूँ आप बुरा नहीं मानिए आप बिल्कुल रद्दड़ हैं ना तो भी आपको जो है नब्बे परसेंट आपको पक्का है चैनल पे अगर आप पढ़ोगे तो नब्बे परसेंट आपका पक्का है आप बिल्कुल कमजोर हैं कुछ नहीं लिखना चाहता इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको ठीक है ना बहुत ही प्यार से तो दोस्तों ए का मान ये दे रखा है बी का मान ये दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकलवा रहा है ठीक है तो दोस्तों ए प्लस बी करेंगे तो कैसे करेंगे ये ए प्लस बी तो इसका जो है कॉलम ये वाला है, जोड़ देंगे दो हो जाएगा वन प्लस एक वन और दो जीरो दो यहाँ पे जीरो और ये दो, दो चार यहाँ पर चार आए गए और दो माइनस एक ये जो जो आएगा जो जीरो माइनस एक माइनस प्लस ज कट जाएगा तो ये आ गया तो ये दोस्तों ए प्लस बी का मान आ गया ठीक है ना ए प्लस बी का जब इसमें जोड़ देंगे अच्छा वहीं अब बात करें इसमें जैसे कि अब माइनस का मान निकालना ए माइनस बी तो दोस्तों वन में से वन गया तो आपका वन माइनस वन यहाँ पर मैं लिक, ये लिख दिया इसने वैसे हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है जीरो बचा ठीक है अच्छा टू में से जीरो गया टू बचा टू में से टू गया जीरो बचा और माइनस वन में से वन गया तो माइनस टू बचा क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा यहां पर जो है तो टू हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा ए प्लस वी का मान हो गया ये माइनस वी का मान हो गया दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्या कह रहे हो चिंता ना करो अभी कठिन भी कराएंगे बहुत डिफिकल्ट भी कराएंगे अभी स्टार्टिंग हुई है मगर ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए करा दिए डिप्लोमा दो में आया है ठीक है ना तो टेंशन ना लो अभी जो है कोर्स स्टार्ट हुआ है पूरी बुक पढ़ी है समझ रहे हो ना अभी जो है कोर्स स्टार्ट हुआ है पूरी बुक पढ़िए हाँ तो दोस्तों अब यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन यदि ए बराबर ये और बी बराबर ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का याद कीजिए ये दोस्तों मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें थ्री कॉलम और थ्री जो है रो हैं तो ये दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो यहां पर जो है जब ए प्लस बी करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी करेंगे हम तो कैसे करेंगे थ्री प्लस फोर जब थ्री प्लस फोर करेंगे और यहाँ पर फाइव प्लस टू फाइव प्लस टू करेंगे और सेवन प्लस वन तो सेवन प्लस वन करेंगे ठीक है ना ऐसे ही इनको जोड़ लेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक डायरेक्ट करके और वन से प्लस सिक्स प्लस वन प्लस सिक्स टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री यहाँ पर जो माइनस हो जाएगा क्योंकि तो माइनस है अच्छा वहाँ पर आप बात करें कि थ्री माइनस तो माइनस फोर अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री सेवन सेवन आ गया सेवन सेवन आ गया थ्री एट सेवन प्लस वेट एट और थ्री हो जाएगा ये ये डायरेक्ट आप जोड़ देंगे बहुत ही नॉर्मल है अब मान करते हैं ए माइनस बी का मान ए माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे तो थ्री वैसे ही करेंगे थ्री माइनस फोर आप दोस्तों मैं अभी जो देखता हूँ अभी ऐसे ही करा दूँ उसके बाद मैं पेन कॉपी पे आपको या बैट वोट पे लाके किसी ना किसी पे आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया करूँगा अभी जो है देखते हैं फिलहाल जैसी व्यवस्था बने अच्छा वहाँ पर फिर देखते अब माइनस का मान निकालना थ्री माइनस फोर थ्री माइनस फोर यहाँ पर निकाल लिया अच्छा फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू सेवन माइनस वन सेवन माइनस वन यहाँ पर जो इस तरीके से निकाल के अब जो है निकाल लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसका हल करेंगे इस वाले को तो थ्री माइनस वन माइनस के वन फाइव माइनस टू थ्री और थ्री सिक्स सेवन माइनस वन सिक्स ठीक है ना तो इस तरीके से निकल के जो है ए माइनस बी का मान हो गया तो ये दोस्तों ये इसी के रिलेटिव था ये जो था इसी के रिले ये जो था वो इसी के रिलेटेड था ठीक है ना तो ये दोस्तों आप देख लेना अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कुछ नहीं था आपको केवल ए प्लस वी का मान निकालना है और ए माइनस बी का मान निकालना ए का मान ये रहा और बी का मान ये रहा बस इनका प्लस और माइनस करना है ठीक है नहीं समझ में आया तो व्हाट्सअप जुड़ जाइए मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा आप जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजोगे मैं आपको पर्सनल फोटो खींच के भेज दूंगा हल करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यदि ए बराबर ये दोस्तों थोड़ा देखने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा समझ में वाला क्वेश्चन है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो थ्री ए माइनस टू बी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे को लगता है नहीं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा बताऊंगा आपको क्या करना है पहले जो है आप थ्री ए का मान निकालना है तो एक की जो है ये दे रखा है ए का जो मान दे रखा है उसमें जो है आप थ्री से गुणा कर देंगे थ्री से जो है इसमें गुणा कर देंगे तो जब थ्री से गुणा करेंगे तो यहाँ पर टू इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री फोर इंटू थ्री तो आपका जो हो जाएगा ये यहाँ पर ये अब इसने करके दिखाया तो ये हो जाएगा सिक्स सिक्स हो गया नाइन नाइन हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व हो गया इस तरीके से गुणा कर लिया इसने उसके बाद ये आ गया जो है ये वाला जो मान है वो थ्री ए का है थ्री ए का है ठीक है अब जो है निकालेंगे टू बी का मान टू बी का मान कैसे निकालेंगे मैंने इसी में करेंगे ये जो है बी का मान है इसमें जो है टू का गुणा कर देंगे इसमें जो है टू का गुणा कर, कर देंगे बी का मान है ना ये वाला जो है बी का मान है इसमें जो है टू का गुणा कर देंगे तो इसमें जैसे टू का गुणा करेंगे थ्री इंटू टू जीरो इंटू टू तो फाइव इंटू टू तो ये जो आपका ये जो है ये टू बी का मान आ जाएगा अब क्या करना है इसमें जो है थ्री ए माइनस टू बी मीन्स थ्री ए के मान में से मीन्स थ्री मीन्स थ्री ए के मान में से टू बी का मान जो है घटाना है तो उसको कैसे घटाएंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे थ्री ए का मान जो है हमारा थ्री ए का मान यू है हमारा येरा और टू बी का मान येरा तो इसको हम निकालेंगे घटा गठा देंगे घटाना मैंने आपको बताया था आप नहीं घटाने तो मैं आपको बता दूँ कैसे घटाएँगे कि जैसे कि ये जो है सिक्स में से ये सिक्स गए तो जी यहाँ सिक्स माइनस सिक्स नाइन में से घटाना बहुत आसान है नाइन में जीरो गया तो नाइन माइनस जीरो तो यहाँ पर जो है इसी के ऐसे ही घटा देंगे डायरेक्ट ई डायरेक्ट जैसे ही जिसका ए वन वन ए टू टू तो ए वन वन में से घटेगा ए टू टू तो मतलब ये जो है पंद्रह माइनस जीरो तो पंद्रह माइनस जीरो तो पंद्रह आ जाएगा ठीक है ना इस तरीके से आ जाएगा तो इसका जो क्या मान आया थ्री ए माइनस टू बी का मान जो है आपका ये आ गया ये वाला ठीक है ना ये आपका ये जो है थ्री थ्री ए माइनस टू का मान है ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्या कह रहे हो सही है अच्छा अब देखते हैं छोटा और सिंपल जैसे कि आपको समझ में आ जाए अभी जो है स्टार्टिंग है अभी पूरी बुक ख़त्म करनी है तो आपको छोटी छोटी से स्टार्ट करेंगे जैसे आपको समझ में आता रहे वरना दिक्कत हो जाएगी अगर आपका भूल गए तो आप ये समझ में ना आए तो दोस्तों तो, तो ये वाला क्वेश्चन है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों आपको सबसे पहला जो है, जो है जोड़ना और घटाना आना चाहिए जोड़ना घटाना करा दिया है मैंने और नहीं तो अभी मैं अभी प्रैक्टिस चल रही है आप जो है पूछ भी सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं सर कैसे जोड़ते घटाते हैं अगर जब भी नहीं आ रहा आप जो है मैं आपको गुणा जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है वो समझाऊँगा ठीक है ना गुणा और भाग समझाऊंगा अभी जो है प्लस और माइनस समझाया है ठीक है ना अच्छा प्लस माइनस कैसे करेंगे ए का मान ये रहा बी का मान ये रहा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे निकालेंगे तो जो वन माइनस ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो है वन ए प्लस बी का मान याद करना है, तो वन प्लस वन वन प्लस वन टू प्लस ज़ीरो टू प्लस ज़ीरो टू प्लस टू टू प्लस टू ये जो है ये ऊपर वाला टू प्लस टू ठीक है अच्छा माइनस माइनस तो ये जो आ जाएगा ये आपका मान निकल आएगा इसमें से निकालेंगे जब तो ये एक और एक दो हो गया ये हो गया दो और जीरो दो हो गया ये वाला दो और दो चार हो गया और वाइनस वन ये घट गया जीरो हो गया जीरो हो गया ठीक है ना अब निकालना ये तो हो गया दोस्तों ए प्लस बी का मान ये जो ऊपर वाला है ए प्लस बी का मान अब निकालना ए माइनस बी का मान ए माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे उसी रो में से उसी जो है रो को घटाएंगे उसी कॉलम में से उसी रो कॉलम को घटाएंगे जैसे कि वन माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस टू टू माइनस टू टू माइनस ज़ीरो टू माइनस ज़ीरो तो उसी को देखते हुए जो निकाल लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपको जीरो जीरो टू माइनस टू क्योंकि माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस टू तो ये जो है आपका ए माइनस बी का मान आ गया ठीक है ना ये वाला अच्छा ये जो क्वेश्चन हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दो हज़ार ग्यारह में आया और दो हज़ार सत्रह में आया है ठीक है ना सत्रह और ग्यारह दोनों में आया है तो ये दोस्तों क्या क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना और बी थ्री ए का मान याद कीजिए मीन्स ए का मान दे रखा है एक तीन पाँच दो चार छः तो थ्री ए का मान याद करना है थ्री ए का मान कैसे याद करते मैंने बताया था जैसे कि आपको जो है इसी में जो है ये जो आपका कॉलम है एक तीन पाँच दो चार छः ठीक है इसमें जो है आपको किसका मान थ्री ए का मान याद करना है इसमें जो है आप गुणा कर दोगे तीन से तीन से गुणा करोगे तो पूरे में तीन से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा ये जो आपका हो जाएगा तीन नौ पंद्रह क्योंकि तीन पंद्रह और छः बारह और छहती अठारह अट्ठारह ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है ना तो आप देख पा रहे होंगे ये केवल कुछ नहीं करना तीन का गुणा करना है अंदर जिसका अगर ये फोर ए का पूछता फोर ए का मान याद कीजिए तो फोर से गुणा कर देते तो फोर से गुणा कर देते ए में ठीक है ना तो ऐसे गुणा करते ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि P बराबर इतना मी पी का ज्ञान मान दे रखा है और Q बराबर इतना मीस P Q का ज्ञान दे रखा है तो टू पी माइनस थ्री क्यू का मान याद कीजिए तो कैसे करोगे दोस्तों मेरे को बताओ थोड़ा तो कैसे करेंगे देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो है P का मान दे रखा है हमें और ये जो है Q का मान दे रखा है अब हमें टू पी का निकालना है टू पी का कैसे निकालेंगे इसमें जो है टू का गुणा कर देंगे टू का गुणा कर देंगे क्यू में जो है क्यू का गुणा कर देंगे थ्री में जब निकलेगा थ्री का निकलेगा ना ऐसे ही तो आपको जो है गुणा कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि आपको जो है टू का गुणा करेंगे पी का मान दे रखा है इसमें और टू का गुणा करेंगे और थ्री का जो है दे रखा है तो थ्री का गुणा करेंगे अंदर तो जैसे ही दो का गुणा करेंगे अंदर तो आप जो है यहाँ कर देंगे कि किसने डायरेक्ट कर दिया है थ्री से गुणा करने पर टू से गुणा करने पर पी से प्रत्येक तत्व में दो से गुणा करने पर क्यों से प्रत्येक तत्व में तीन से गुणा करें जैसे कि दो से गुणा करेंगे दो दूनी दो दो एकम दो और दो से चार से चार हो गया तीन दूनी छः और जीरो 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 रहेगा पाँच दूनी दस और सात दूनी चौदह जीरो हो गया जीरो रहेगा आठ दूनी सोलह जीरो जीरो रहेगा ठीक है ना अच्छा अब एक से तीन से गुणा करते हैं तो तीन दुनी छः ठीक है तीन जीरो रहेगा नौ तिया तीन तिया नौ पांती नौ ये दोस्तों जो है जीरो रहेगा अब जो है निकलिए आया ये जो है टू पी का ये थ्री क्यू का मान निकल आया अब टू पी माइनस थ्री क्यू तो अब जो है ये घटाना है तो इसमें से जो है इसको घटा देंगे इसमें से घटाएंगे कैसे डायरेक्ट घटा देंगे टू माइनस सिक्स फोर माइनस जीरो एट माइनस नाइन सिक्स माइनस नाइन तो ये जो निकल के बाद ये आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें केवल पी इसमें जो है केवल आपको पी और क्यू का मान दे रखा है आपको टू पी माइनस थ्री क्यू का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे पी में जो है टू से गुणा कर देंगे पी में जो है टू से गुणा कर देंगे माइनस थ्री में जो है क्यू से गुणा कर देंगे ठीक है क्यू में जो है थ्री से गुणा कर देंगे तो आपको कोई भी सवाल में डिस्टर्ब नहीं होना है टेंशन नहीं लेना है और आपको जो है फूल इन्जॉय लेके आपको जो है क्वेश्चन करना है ठीक है पूरी मैं आपको मदद करूंगा चैनल के माध्यम से ब्लॉग के माध्यम से पी प्रोवाइड कराऊंगा फुल जो है आपकी मदद करूंगा आप व्हाट्सअप से जुड़िए कमेंट कीजिए आपको जो है रिप्लाई भी मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने में बहुत जल्द धन्यवाद और किसकी जो है नेक्स्ट क्लास आए आप कमेंट करना वो भी क्लास जो है जल्दी आएगी धन्यवाद बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना